देखिए, इसके पीछे वाले वीडियो में आपको एक रूल हमको समझाना था, एक कंसेप्ट है उसको आप जान लीजिए, ठीक है ना। वो छूट गया था पीछे वाले वीडियो में। देखो वो ऐसे है कि देखो, अगर कोई नंबर आपको ऐसे दे दिया गया हो, कोई नंबर है वो आपको ऐसे अगर मिल जाए, जैसे 420 है ना, या फिर 500, या फिर 1000, या फिर 790 है ना। इसमें पूछ रहा है कि कितने इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, कितने सार्थक अंक हैं। देखो इसके लिए ना एक मतलब ये रूल बनाया गया है, इसके लिए एक नियम है कि अगर इसमें सार्थक अंक 3 है ना, 3 है, अगर इसमें 3 है, अगर इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो पहली बात तो आप इसको ऐसे मत लिखिए, है ना, क्योंकि ऐसे लिखने पे होता है कन्फ्यूजन हमको कि इसमें हम जीरो काउंट करें कि नहीं करें, इसमें हम जीरो काउंट करें कि नहीं करें, इसमें हम जीरो काउंट करें कि नहीं करें, यहाँ करें कि नहीं करें, ठीक है। तो उसके लिए एक नियम ये है कि अगर इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है ना, तो इसको आप ऐसे मत लिखिए। उसको जो लिखने का तरीका होता है वो ऐसे होता है कि 4.20×10^2 है ना, इसको आप ऐसे ही लिखिए। अगर आपको बताना है कि उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट अगर 3 है, तो उसको आप ऐसे मत दिखाइए, इसको आप ऐसे दिखाइए, ठीक है। इसको भी आप ऐसे लिखिए, अगर इसमें 3 है तो सिग्निफिकेंट डिजिट 5.00×10^2, इसमें भी आप ऐसे ही लिखिए, ठीक है ना। इसमें भी कई बार क्या होता है कि हमको सवाल में ऐसे ही मिल जाता है कि 2 ना, यहाँ पे कि ये नंबर हमको यहाँ पे मिल गया, फिर पूछ रहा है कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं। तो हमें क्या करना है, हमको अगर ये नहीं बताया गया है कि वो उसका मापन पद्धति कैसा है, कैसे उसका नापा गया है, किस इंस्ट्रूमेंट से उसका नापा गया है, उसको नापा गया है, उसका लीस्ट काउंट क्या है, अगर ये सब मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो सिंपली क्या करेंगे आप कि इसमें जो जीरो है ना लास्ट में, उसका काउंट मत करिएगा सार्थक अंक में। यहाँ पे ये जीरो काउंट मत करिएगा, यहाँ पे ये दोनों काउंट मत करिएगा, यहाँ पे ये तीनों काउंट मत करिएगा, यहाँ पे ये, ठीक है। मतलब कि इसमें अगर सार्थक अंक ऐसे पूछे कितने हैं, अगर नंबर ऐसे लिख किया जाए, अगर ऐसे लिखे ना आया हो, अगर ऐसे नंबर लिख के आ रहा है, तब तो इसमें 3 हो गए, इसमें भी 3 हो गए, इसमें भी 4 हो गए, इसमें 3 हो गए, लेकिन नंबर अगर ऐसे लिख के आ रहा है ऐसे 500, तो इसमें हम भी काउंट नहीं करेंगे, ये भी काउंट नहीं करेंगे, तो सिर्फ 2 हो गया, इसमें 1 हो गया, ऐसे 1000 में 1 हो गया, 790 में ये 2 हो गया, ये हम काउंट नहीं किए, ये काउंट नहीं किए, ठीक है ना। समझ में आ गया?